जी, हम अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी के जो नागरिक हैं वो यहाँ पर पोल्ट्री फार्म में बढ़ रही अव्यवस्था, मक्खियों की गंदगी के कारण पूरी कॉलोनी परेशान हो रही है, जिसका ज्ञापन हम पहले भी कलेक्टर साहब को यहाँ सौंप चुके हैं, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। अतः आज समस्त कॉलोनी वासी एकत्रित होकर के कलेक्टर साहब को पुनः ज्ञापन देने आए हैं कि हमें इस गंदगी से, मक्खियों से निजात दिलाई जाए और सरकार द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उस पर जो कॉलोनी तो सहभागिता ले रही है लेकिन प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और मक्खियों के कारण जो बीमारी फैल रही है आसपास उससे कॉलोनी वाले बहुत परेशान हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र श्रीवास। हम 50-60 लोग आए हैं अर्जुन लाल सेठी नगर से, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और हम पुरुष भी हैं। हमारे पास में उधर पोल्ट्री फार्म है और वो पोल्ट्री फार्म अनमेंटेन्ड है, उनके अंदर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और मरी हुई मुर्गियां वगैरह को भी वैसे ही फेंक दिया जाता है, उनको सही ढंग से उनका डिस्पोजल नहीं किया जाता है। इससे क्या है कि गंदगी का वहाँ पर आवाम है और गंदगी फैल रही है और गंदगी के जो सबसे ज़्यादा इसको कैरी करने वाला जो तत्व है वो है मक्खियाँ। मक्खियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सेठी कॉलोनी पास पड़ती है और मक्खियों का अटैक से सेठी कॉलोनी का हर घर, हर आदमी परेशान है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में वह मक्खियों का इतना आतंक है कि उसका ऊपर विरोध करते हुए हम ये प्रशासन के सामने अपनी बात रखने आए हैं। और इससे पहले हमने प्रशासन को अपना आवेदन दे दिया था 3/10/2019 को, 3/10/2019 को श्रीमान केसी शर्मा अतिरिक्त कलेक्टर सेकंड को हमने अपना ज्ञापन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस कार्रवाई को पुनः उनको जो रिमाइंडर करवाते हुए हमें अब कार्रवाई के लिए यहाँ पर आकर के अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरा नाम रामदास मीना है और मैं उस कॉलोनी का नागरिक हूँ।